बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण चरित्रम का 13वां अध्याय आरंभ करते हैं और स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। आइए ध्यान से कीजिए। श्री कृष्णम शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए भक्तों, श्री कृष्ण चरित्रम का 13वां अध्याय आरंभ करते हैं और इसमें कथा का वर्णन है ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण। बहुत अद्भुत कथा है भक्तों, ध्यान से सुनना। तो आइए आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, अघासुर को मारकर जब कृष्ण जी दूसरे दिन यमुना तट पर जलपान के लिए गए तो वहां बड़ी देर तक सबने एक साथ बैठकर अपनी अपनी छाक खाई और विविध प्रकार के आमोद प्रमोद किए, जिससे उनकी गायें और बछड़े डूब चरते चरते किसी दूसरे वन में चले गए। ग्वाल बाल हाथ में रोटी लिए खाते खाते उठ उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। उनकी व्यग्रता देख कृष्ण जी ने पूछा तो बालकों ने कहा कि गौएं न जाने किधर चली गई हैं। कृष्ण जी ने पूछा, अच्छा घबराओ नहीं, तुम्हारे बछड़े कहीं नहीं जा सकते और न उन्हें बाघ इत्यादि खा सकते हैं। तुम लोग आनंद पूर्वक बैठकर भोजन कर लो, तब तक मैं उनको खोजकर लाता हूं। यह कहकर कृष्ण जी हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए सारे वनों पर्वतों और गुफाओं में अपनी और सखाओं की गायों तथा बछड़ों को खोजने लगे। परंतु वे मिलते तो कैसे, उन्हें तो बाल कृष्ण जी के परीक्षार्थ स्वयं ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया था। कृष्ण जी फिर यमुना तट पर अपने सखाओं के पास आए, पर अब वे सभी बालक वहां न थे और कई गायें ढूंढते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें भी हरण कर लिया था। यमुना तट पर अपने सखाओं को न पाकर कृष्ण जी ने विचार किया तो उन्हें ब्रह्मा जी का सारा चरित्र ज्ञात हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर गाय बछड़ों सहित अपने सब सखाओं का पुनः निर्माण कर लिया और एकत्र होकर सबके साथ पूर्वत आनंद करते हुए वृंदावन आए। किसी ने यह न जाना कि ये पुत्र मेरे नहीं हैं, किंतु उनकी माताएं कृष्ण की मुरली का तान सुनते ही अपने पुत्रों को गोद में उठा और भी प्यार करने लगी। वन से चरकर आई हुई गायें अपने बछड़ों का शब्द सुनकर दौड़कर उनके पास गई और उन्हें चाट चाट कर दूध पिलाने लगी। इस प्रकार एक वर्ष का समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने अब तक अपनी माया नहीं हटाई। तब एक दिन जब कृष्ण और बलराम अपने अपने बछड़ों को चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर गए तो वहां पर चरने वाली गायों ने उन्हें ब्रह्मा जी हर ले गए थे, वहां अपने बछड़ों को पर्वत की तलहटी में चरते हुए देखा तो वे प्रेम से व्याकुल हो नीचे उतर आई। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित अपने रक्षकों के बहुत रोकने पर भी न रुकी और श्री कृष्ण के पास अपने बछड़ों में आ मिली। कोई कुछ समझ नहीं पाता था, कभी कभी बलराम जी कुछ समझते परंतु स्पष्ट न कह पाते। सोचते सोचते उन्हें सब बात समझ में न आई और उन्होंने कहा, यह सब कृष्ण की माया है। उन्होंने कहा, भैया जब तुम्हारी ही सब माया है तब सारी बातें स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हो। कृष्ण जी ने हंसकर कहा, मेरी नहीं, ये सब ब्रह्मा जी का चरित्र है। इतने में ही
बलराम जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा हरे गए सभी बछड़े और ग्वाल बाल एक एक करके उनके पास आ गए और नवनिर्मित बछड़े गायें और सखागण अदृश्य हो गए। साथ ही किसी को कुछ ज्ञान भी न हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा मेरी शक्ति कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, मैं उन्हें मोह नहीं सकता, किंतु उन्होंने मुझे मोहित कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब एक कृष्ण ही नहीं, वहाँ जितने भी गोप ग्वाल और गौ बछड़े थे सभी शंख चक्र गदा पद्म भूषित चतुर्भुज रूप थे। सभी पीतांबर पहने, गले में बैजंती माला पहने, अनेकों प्रकार के माणिक्य माल्य धारण किए सुसज्जित हो रहे थे तथा ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि सहित सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। यह देख ब्रह्मा जी का हृदय कांप उठा और वे बहुत व्याकुल हो गए। तब उन्हें अत्यंत ही व्याकुल हुआ देख ब्रह्मा जी ने अपनी माया हटा ली और विधाता के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने गदगद कंठ से उसी श्री कृष्ण की बड़ी स्तुति की जो हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए वन में गौएं खोज रहे थे। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कैसे स्तुति की, आइए हम भी लोग स्तुति करते हैं श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, श्री कृष्ण चैत्रम का 13वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। स्नेह के साथ बोलिए, श्रद्धा के साथ बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।